गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। लखीमपुर हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रियंका की रिहाई के लिए सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थकों का विरोध भी जारी है। वहीं गुरुग्राम में भी कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गुरुग्राम में कांग्रेस दफ्तर से तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है, वो सरासर गलत है। इस प्रदर्शन का मकसद है प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए पंकज डावर ने कहा कि अगर सरकार इसी तरीके से प्रियंका गांधी या बाकी नेताओं को गिरफ्तार करते हैं तो ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जो ये प्रदर्शन है, आप सभी को मालूम है जिस तरीके से प्रियंका गांधी को डिटेन्ड कर रखा है इल्लीगल तरीके से, वो एक पुरानी बात। आप लोग हमारे नारे भी सुन रहे हैं, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसे योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये डर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी जी को, जिस तरीके से इन लोगों ने डिटेन्ड किया बिल्कुल गैर कानूनी है। हम उन्हीं की रिहा के लिए आज मांग के लिए यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया और आगे भी ये प्रदर्शन जारी नहीं रहेगा। सरकार को आपके माध्यम से चेताता हूँ, अगर आप लोगों ने इसी तरीके से प्रियंका गांधी को या और नेताओं को इस तरीके से डिटेन किया तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता पूजा शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी जो कि किसानों की लड़ाई लड़ रही थी, किसानों के परिवारों से मिलने गई थी, जिनको मोदी सरकार ने मिलने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। हमारी बहन प्रियंका गांधी को जो कि किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी, किसानों के परिवारों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन ये गंदी मीडिया ने और मोदी जी ने इनको मिलने नहीं दिया गया। मोदी जी के जो रक्षक हैं वही प्रियंका गांधी को बिगर वारंट के गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है। और प्रियंका गांधी जी किसी से डरने वाली नहीं है, वो इस पूरे देश की बेटी हैं, वो दूसरी इंदिरा गांधी हैं। और आप ये देखिए ना कि प्रियंका गांधी जी अपने किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी बेटियों की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी बहुओं की लड़ाई लड़ रही हैं। हर प्रकार से योगी जी जो बैठे हैं, कभी महिलाओं का बलात्कार होता है, मार दी जाती हैं, उनकी लाश तक नहीं दी जाती है, और कल तो बिल्कुल हद ही पार कर दी। प्रियंका गांधी हमारे देश की बेटी है, वो न्याय के लिए उन किसानों के परिवारों से मिलना चाहती थी। मोदी जी, किसानों के परिवार को किस तरीके से मरवाया गया है, और उसके बाद आप वहां का अपना जश्न मनाने के लिए आज लखनऊ जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और हम ये डिमांड करते हैं, हम पूरी महिला कांग्रेस ये डिमांड करती है कि जब तक योगी इस्तीफा नहीं देगा ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। वो प्रियंका नहीं, वो आंधी है, वो दूसरी इंदिरा गांधी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने योगी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।